हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है मंडे और अभी 11:30 बज रहा है। एक्चुअली आज लेट हो गया है क्योंकि आप लोगों को पता ही है मेरे घर पे ये काम चल रहा है, तो उसकी वजह से उनको भी देखना पड़ता है, इधर उधर उनको चाय देनी पड़ती है, जो भी उनको डिज़ाइन वगैरह हमने सिलेक्ट की है वो बतानी पड़ती है। ये सारे चक्कर में ना इतना लेट हो ही जाता है और आप देख सकते हो मेरे घर का हाल क्या हो चुका है। जहाँ वहाँ कपड़े ही आपको दिखाई देंगे, यहाँ भी कपड़े हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो कपड़े ही कपड़े हैं। मतलब स्टैंड लाके यहाँ पर रख दिया है हम लोगों ने और ये अभी तक अनपैक नहीं हुई है। मेरी बैग जो मैं ससुराल लेके गई थी वो अभी भी अनपैक नहीं की है क्योंकि काम 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 ही चल रहा है सारे, तो बस यही चल रहा है। और मेरे यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही है कि आपको क्या बताओ, पूरा दिन सफाई में जा रहा है मेरा। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर से आके वही जो सफ़ेद सफ़ेद POP के पैर लेके आ रहा है पूरे सीढ़ियों से और इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है सब कुछ। क्या मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि आपको क्या बताओ, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही। अभी थोड़ा सा झेलना पड़ेगा इन लोगों को भी क्योंकि अभी काम स्टार्ट किया है तो वो तो उतना गंदा हो गई। क्या खा रही हो मैं? आप सांबर वड़ी, और आप पदवी वड़ा। एक्चुअली ये हम लोगों ने पार्सल मंगाया है, ये होम डिलीवरी देते हैं, यहाँ पे घर के पास है और होम डिलीवरी देते हैं वो। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज मंगाई है नाश्ते के लिए। काफी दिन हो गए थे ना नाश्ता नहीं किया था बाहर का। हाँ बाहर, हाँ महीने हो गए हैं। अद्वि को बहुत समोसा खाने का मन कर रहा था। समोसा लाया है क्या इसमें? हाँ है मम्मा। उनका कॉल आया था, एक्चुअली वो पहचान के है, उनका कॉल आया था कि होम डिलीवरी दे रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए ये ऑर्डर कर दिया था इन्होंने। तो ये वड़ा, सांबर वड़ी और क्या बोलते हैं समोसा लाया है। समोसा और क्या है, बस उतना ही है ना। दो दो मंगाया है ना अद्वि, दो दो ऑर्डर किए थे तो इन्होंने ये घर पे लाके दिया है सारा कुछ। वड़ा पर है मेरे सर का। आपके जैसा वड़ा भी है, दो वड़ा है, दो सांबर वड़ी है और दो समोसा है। उसके साथ चटनी भी आई है ना। माझे साठी मिर्ची पण आहे। मम्मा आपको मिर्ची अच्छी लगती है। ये अद्विक के टाळ जब आरती थी तब बजाता। हाँ, जब आरती रहती तब बजाता है अद्विक। आरती के समय चलो खा लो जल्दी जल्दी से, हमें आरती भी करनी है। आराम से अच्छे से बैठ के खाओ। आप गुड बॉय हो ना। आप आपने मैं आठ दिन मुझे देना है। मैं जय जय करो, जय जय। ये देखो कितना गंदा हो गया। अच्छा
और हाँ, आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ दाल पालक। और किसी ने मुझे पूछा था एक्चुअली कि आप पालक, शेपू, मेथी ऐसा कुछ बनाते नहीं हो क्या? तो डियर, ये चीज़ें ना सिंपल सी सब्जी होती है, तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि क्या आपके साथ शेयर करूँ। बनाती हूँ मैं, बहुत बार बनाती हूँ, बट सिंपल सिंपल सी सब्जी होती है, सभी लोग ऐसे ही बनाते होंगे, पता नहीं। अभी मेरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी, दाल पालक की। तो आप देख लेना कि आप भी ऐसे ही बनाते हो या कुछ अलग तरीके से बनाते हो। और बातों बातों में ना आगे भी चला गया मैं क्या बताने वाली थी और क्या आपको दिखाने वाली थी। एक्चुअली मैंने सबसे पहले ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट होने दिया था, उसके बाद मैंने उसमें प्याज ऐड किया था, प्याज होने दिया था गोल्डन ब्राउन, और उसके बाद मैंने सारे मसाले ऐड किए थे, मतलब बेसिक से मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया था टोमेटो, और टोमेटो गलने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसे ढक के रख दूंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी है। टोमेटो गल चुके होंगे, तो अभी ओपन करके देखते हैं ढक्कन को। तो यहाँ पर टोमेटो गल चुके थे, आप देख सकते हो। अभी इसे अच्छे से चला लूँगी, और उसके बाद मैं उसमें जो दाल पालक मैंने बना के रखी थी, एक्चुअली मैंने ना कुकर में दाल और पालक काट के उसमें डाल दी थी और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, तो इसे पका लिया था पहले ही। ऐसे ही मैं पकाती हूँ, और उसमें ना नमक वगैरह नहीं ऐड करती हूँ, बस ऐसे ही मैं पका लेती हूँ इसे। और पक जाने के बाद मैं उसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ, तो इस तरह से ये चिकना दिखता है पेस्ट इसका। तो बस इसको डाल दिया है मैंने इसमें, और अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं हमें ऐड करना है पानी, तो मैं यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिए, आपको कैसे चाहिए, किसी को गाढ़ा चाहिए होता है, किसी को पतला चाहिए होता है, तो आप अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी रखिए। और मैंने साइड में चाय चढ़ा दी है, आपको पता ही है कि ये ड्यूटी पे चाय लेके जाते हैं, तो इसीलिए साइड में चाय भी बन रही है और यहाँ पर खाना भी बन रहा है साथ साथ में। तो यहाँ पर मैंने ना आमचूर पाउडर ऐड की है थोड़ा सा खटास आने के लिए इसमें। अगर आपको थोड़ी सी ये सब्जी खट्टी पसंद है तो आप इसमें आमचूर पा सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो इसे। तो बस ये यहाँ पर हमारी दाल पालक पक चुकी है, उसके बाद मैंने धनिया पत्ता ऐड किया है, और बस इसे थोड़ी देर और पका लूँगी और हमारी सब्जी रेडी हो जाएंगी, और उधर मेरी चाय भी बन जाएगी। चाय बनने के बाद चाय थर्मास में भर लूँगी, और उसके बाद हम लोग लंच कर लेंगे। एक्चुअली ये जो सारे कपड़े लेके गई थी अभी धोने के लिए डालना है, सारी चीजों की स्मेल आ रही है क्योंकि दो दिन से ये बंद थी ऐसी की ऐसी ही। और ज्यादा कपड़े तो लेके नहीं गई थी मैं, बट फिर भी सारे कपड़ों की स्मेल आ रही है यार, गंदी सी स्मेल आ रही है। और हाँ, ये जो साड़ी है आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, मैंने ये महालक्ष्मी के टाइम पे पहनी थी। बहुत से लोगों ने ये पूछा कि ये साड़ी कहाँ से ली है, आप लोगों ने इंस्टा पे भी इसके लिए मैसेज किए थे मुझे, बहुत लोगों को ये साड़ी पसंद आई थी। तो ये जो साड़ी है कुछ इस तरह से है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2 शेड में साड़ी है और 2 नी 3 शेड में है, ये थोड़ा सा यहाँ पर लाइट शेड दिया है इसका ये, और ये डार्क ग्रे या ब्लू बोल सकते हो, डार्क ब्लू आप बोल सकते हो इसे। और ये नीचे है पिस्ता कलर, ग्रीन कलर, और ये यहाँ पर 3 शेड में ये साड़ी है, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है साड़ी, और आपको भी बहुत पसंद आई है। तो ये साड़ी ना मैंने लोकल मार्केट से परचेज की थी, आप लोगों में से काफ़ी लोग इसका लिंक मांग रहे हो, तो इसका लिंक तो मैं दे नहीं सकती क्योंकि मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज की है। और ये प्लेन साड़ी है, एक्चुअली सिल्क की साड़ी है, और इसमें से जो पूरी एक कलर की साड़ी आती है ना वो 400 या 500 में मिल जाती है, 450 या 500 में आपको आराम से लोकल मार्केट में मिल जाएगी। ये जो साड़ी है इसमें 2 शेड है, इसीलिए ये मुझे थोड़ी सी महंगी मिली, ये मुझे 700 की मिली। आप लोग बताना मुझे कि ये मुझे महंगी मिली या सस्ती मिली, तो क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं बाहर गई थी तो मुझे लगा था कि मुझे एक साड़ी लेनी चाहिए और मुझे ये अच्छी लगी तो इसीलिए ले ली मैंने। और ये ब्लाउज कुछ इस तरह से, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा पास से अगर आप देखोगे तो, ये ब्लाउज बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस पर मैंने स्लीव्स लगवाई है क्योंकि मुझे ये गांव में पहनना था इसीलिए, तो अगर मैं स्लीवलेस पहनती तो इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आता, बट ये मुझे गांव में पहनना था इसीलिए मैंने इसे स्लीव्स लगवा ली। और ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लाउज है इसका, बहुत सुंदर ब्लाउज है, और इसका पीछे का गला आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पर लटकन दिए हुए, और लटकन भी आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे हैं, बड़े बड़े से लटकन हैं,
और ये यहाँ पे पूरी इस तरह से लटकन है, ये बड़े बड़े से लटकन है और यहाँ पर इसका नेक काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये। मेन तो इसका कलर है, इसका कलर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने ये ब्लाउज लिया था। बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद, और इसका ब्लाउज ही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। उस पर ये साड़ी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। बहुत लोग इसके बारे में डिटेल में पूछ रहे थे और इसका लिंक भी मांग रहे थे, तो सो सॉरी डियर, लिंक तो नहीं दे सकती, बट आप अपने लोकल मार्केट में इसे सर्च कर सकते हो। इस साड़ी आपको बहुत सारी मिल जाएगी आपके लोकल मार्केट में, जहाँ पर आपको ब्लाउज के कपड़े वगैरह मिलते हैं या रेडीमेड ब्लाउज वगैरह जहाँ पर मिलते हैं ना, तो वहाँ पर साड़ियाँ वगैरह मिलती ही है। मतलब शिफॉन की, जॉर्जेट की प्लेन साड़ियाँ मिलती है वहाँ पर आपको, ऐसे टू शेड में साड़ी मिल जाएगी। इसे भी मुझे वॉश करना है। एक्चुअली मैं ना साड़ियाँ शैम्पू में वॉश करती हूँ, शैम्पू में अगर आप वॉश करते हो ना तो उससे ना साड़ी की शाइन और सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन करती है, इसीलिए मैं शैम्पू में साड़ियाँ वॉश करती हूँ। और ये कपड़े मुझे अभी वॉशिंग मशीन में डालने हैं। एक्चुअली इनके पैर में मोच आई थी, तो इसीलिए इन्होंने अभी ये यूज किया है, डॉक्टर अर्थो का जो पेन रिलीफ स्प्रे है वो यूज किया है। और हाँ, मैं आज आपके साथ डॉक्टर अर्थो के प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ। इनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जिन्होंने यूज किया है उन सभी को पता होगा, अगर नहीं यूज किया है तो यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं इनके प्रोडक्ट। और मेन बात तो ये है कि इनके प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। अगर आप कोई नई चीज परचेस करते हो और उसे यूज करते हो तो आपके मन में हमेशा यही डर रहता है कि आपको वो सूट करेगी या नहीं, अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो गया तो इनके प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है सारे। इनके ये सारे प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये पेन रिलीफ प्रोडक्ट है, और आपके घर में किसी के ज्वाइंट पेन है या आपके खुद के भी ज्वाइंट पेन है तो आप उनके लिए ये यूज कर सकते हो इनके ये प्रोडक्ट सारे। तो मैं एक एक करके आपको इनके प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये है डॉक्टर अर्थो का आयुर्वेदिक पेन रिलीवर स्प्रे, तो ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आप ये स्प्रे कर दीजिए, जैसे कि आपको मोच आई हुई है या आपको कमर में पेन हो रहा है या कुछ भी, तो आप इससे स्प्रे कर दीजिए तो आपको जल्दी से आराम मिल जाएगा। तो ये उनका स्प्रे है, तो इसकी जो प्राइस है वो है 165 रुपीज का ये स्प्रे आता है। और सेकेंड है ये डॉक्टर अर्थो का पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट, अगर आपको किसी जगह पे दर्द हो रहा है या सूजन है तो आप ये ऑइंटमेंट यूज कर सकते हो उस पे, और इसकी प्राइस बहुत ही कम है, 78 रुपीज का ही ये ऑइंटमेंट आपको मिल जाएगा। थर्ड प्रोडक्ट है इनका ये डॉक्टर अर्थो का ऑयल, जहां पर भी आपको पेन हो रहा है वहां पर आप इस ऑयल से मसाज कर सकते हो, आपका पेन चुटकियों में गायब हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा इससे। इसमें आपको 20% एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, तो ये ऑयल आपको मिलता है 295 रुपीज का। ये ऑयल भी बहुत ज्यादा अच्छा है इनका, आप एक बार ट्राई जरूर करके देखिए, इनके प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। और फिर आती है इनकी कैप्सूल्स, तो अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो आप ये सारे प्रोडक्ट एक साथ यूज कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये कैप्सूल आती है, कैप्सूल भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आपको बहुत ज्यादा पेन है तो आप इनका कैप्सूल का कोर्स भी कर सकते हो, तो इसमें 30 कैप्सूल आती है। और इसको लेना कैसे है, इसकी 2 कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेनी है। और इसे कैसे लेना है, तो इसे लेना है आपको गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ, तो आप 2 कैप्सूल 2 बार लीजिए, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा इससे। और ये कैप्सूल आती है 183 रुपीज की, तो बहुत ज्यादा सस्ती है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके घर में किसी को पेन है या किसी के सीजरिन हुआ है, तो आपको पता ही है सीजरिन की वजह से तो कमर पेन हमेशा होता ही रहता है, तो उसमें भी ये रिलीफ देगा आपको। क्यों, आप लोगों को पता ही है मेरा सीजरिन हुआ है तो मुझे कमर पेन कितना ज्यादा होता है। जब भी मुझे कमर पेन होता है तो मैं स्प्रे या कुछ भी इसमें से यूज कर लेती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। और इनको भी घुटने में दर्द होता है हमेशा,
क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आर्मी का ट्रेनिंग कैसा होता है या पुलिस का ट्रेनिंग कैसा होता है, तो उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए हैं कुछ कुछ चीज़ों के, तो इसी वजह से इनके घुटने में हमेशा पेन रहता है, तो हम लोग यही चीज़ें यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो आपके साथ भी ये शेयर कर देती हूँ, आपको भी इससे हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको इन सारे प्रोडक्ट को परचेस करना है तो इन सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, उसके साथ मेरे दो और चैनल है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इंस्टा के बारे में आपको बहुत बार बताती हूँ लेकिन आप फॉलो ही नहीं करते हो यार, तो आप फॉलो कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। जाते जाते लाइक जरूर कर देना, लाइक करने में कंजूसी मत करना।